नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिना। अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां सरकारी नौकरी पाने के लिए इंदौर में भोला राम उत्साद मार्ग चौराहे पर स्थित दीनदयाल पार्क में पिछले दो दिनों से अभ्यर्थियों का भर्ती सत्याग्रह चल रहा है। यहां PSC शिक्षक भर्ती, MP पुलिस की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवाओं की टोलियां बैठ रही हैं। वे इसी उम्मीद में है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचेगी और उन्हें सरकारी नौकरियों में नियुक्ति मिल सकेगी। 21 सितंबर की सुबह भोला राम उत्साद मार्ग चौराहे पर दीनदयाल पार्क के पास सर्विस रोड पर टेंट लगे मंच सजा, दरिया बिछी और अभ्यर्थियों की टोलियां यहां पहुंची। नौकरी पाने की उम्मीद में पहले के आंदोलनों में हिस्सा ले चुके अभ्यर्थियों ने अब इस भर्ती सत्याग्रह का दामन थाम लिया है। अलग अलग समय पर अभ्यर्थियों की टोलियां यहां आकर बैठ रही हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी कोचिंग क्लास पर पढ़ाई पूरी करने के बाद सत्याग्रह का हिस्सा बनते हैं। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले ये भर्ती सत्याग्रह चल रहा है। इसमें 10 सदस्य राष्ट्रीय कोर कमेटी में हैं। यहां अभ्यर्थियों के लिए बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था के साथ पानी की भी व्यवस्था की गई है, मगर यहां भोजन की व्यवस्था नहीं। अभ्यर्थियों को मैस या अपने घर पर ही भोजन करके यहाँ आना होता है। NEYU के मनराज सिंह ने कहा कि बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाएगी। मनराज सिंह के मुताबिक यहां अभ्यर्थियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए 100 वॉलंटियर की टीम तैयार की गई, जो दिन के साथ ही रात में भी यहां तैनात रहते हैं। रात में रुकने के लिए अलग से टेंट बुलवाए जाते हैं ताकि अभ्यर्थी यहां सो सकें। यहां रुकने वाले अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स की टीम रात भर जागती है। रात को अभ्यर्थियों ने सुंदरकांड का पाठ भी किया। बेरोजगार युवाओं को जागरूक करने के लिए रैलियों का भी आयोजन किया जा रहा है। आसपास के युवाओं को भर्ती सत्याग्रह के जुड़ने के लिए छोटी छोटी रैलियां आसपास के क्षेत्र में निकाली जा रही हैं, ताकि उन्हें इस सत्याग्रह के बारे में जानकारी मिल सके। वहीं अभ्यर्थियों ने कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाल कर प्रदर्शन किया था। NEYU के लोगों का कहना है कि उन्होंने एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया है। इस भर्ती सत्याग्रह में वे सिर्फ CM से बात करेंगे, लिखित आदेश भी उन्हें CM का ही चाहिए। उनका कहना है कि 28 सितंबर तक वे भर्ती सत्याग्रह करेंगे, इसके बाद वे पैदल भोपाल कूच करेंगे। वे रास्ते में आने वाले देवास और आसपास के क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को भी जागरूक करते हुए चलेंगे। भोपाल में CM और विधानसभा का घेराव करेंगे। तपस्या कर रहे हैं, बेरोजगारी भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको लेकर हम लोग आज कल का जो कार्यक्रम है वो भी आपको बता दें। कल यहाँ पर ओपन लाइब्रेरी हम लोग कर रहे हैं, सब लोग आए और दो दो मिनट की भाषण, जो आपकी तपस्या है वो दो दो मिनट में आपको कल बोलना है, अपनी अरे की बात यहाँ रखना है। और
मध्य प्रदेश सरकार तक सीएम सौरभ हमारा जो मामा है उस तक पहुंचाना है। तो कल सब लोग यहीं पर आकर ओपन लाइब्रेरी में, हम लोग ओपन लाइब्रेरी से पढ़ेंगे और जो भी टीचर आएंगे वो यहाँ पढ़ाना चाहे पढ़ाए। और बेरोजगारी की कितनी बड़ी समस्या है उसको आज हम लोगों को इंगित करना है कि हम दो दो चार चार साल हो चुके हैं, अब लाइब्रेरी में पढ़ ले एक बार, यहाँ इस रोड पर भी आके पढ़ के दिखाओ सरकार को कि हम वो छात्र हैं, हम ऐसे ही नहीं है, हम रोड पर भी आके पढ़ सकते हैं और सरकार को सीधा कर सकते हैं। तो कल का ध्यान रखना है, हम लोग रोज कुछ ना कुछ सरकार को अपने यहाँ के मंच के माध्यम से रोड पर चलकर और हमको ये आंदोलन को जीवित रखना है, रोज कुछ ना कुछ करना और ये आप सबको यहाँ लाना है। ऐसी ही अगर भीड़ रही तो ये सरकार जल्दी आप लोगों की जो ये नोटिफिकेशन के Thank you.